जो किए गए काम हैं उनको शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिस तरीके का उत्कृष्टतम कार्य सभी जन समुदाय के लिए वसुधैव कुटुंबकम की अगर बात की जाए तो उसके जीते जागते उदाहरण हैं हमारे डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया साहब। और आज देखिए कितना व्यस्त कार्यक्रम रहा होगा, लेकिन आज इस केंद्र में उनको आना था। पहले इस केंद्र का जो है शुभारंभ करने के लिए साहब ने समय दिया था कि हम 2 अक्टूबर में आएंगे। 2 अक्टूबर में कदाचित किसी कारण से नहीं आ सके, फिर 17 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिनकी प्रेरणा से हम लोग सारे कार्य करते हैं, उन्होंने पूरे देश के प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों को देश को समर्पित किया। और साथ ही साथ एक उर्वरक, एक सिंगल, जब सभी ब्रांड खत्म किए उन्होंने, एक देश एक उर्वरक का एक नारा लेकर के भारत यूरिया, भारत एनपीके, भारत डीएपी सभी को एक में समाहित कर दिया और अपने देश के नाम से अब उर्वरक का ब्रांड बनाया। पहली बार भी आप देखो जो यूरिया आपको मिलती है 266.50 रुपए की, भारत सरकार उसके करीब 2000 रुपए प्रति बोरी का अनुदान दे करके अपने किसान भाइयों को इतना सस्ता यूरिया देती है। डीएपी को देखो आप, आपको 1350 रुपए का मिलता है करीब, उसमें 2 से 2500 रुपए एक बोरी में अनुदान दे करके माननीय मंत्री जी अपने किसानों को उपलब्ध कराते हैं। ऐसे उनके योगदान है यहाँ पे आए। और ये केंद्र प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके सतत प्रयास से ये सफल हुआ है। मैं कभी नहीं भूलता किस तरीके से मीटिंगों में उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया, प्रेरित करके ही काम कराने की अगर कला किसी से मैंने देखी है तो हमारे माननीय मंत्री जी के, इंस्पायर करके लोगों को समझा के बुझा के और एक 60 नोटिस पे उनका प्रोग्राम बना। और आज उन्होंने एक संकल्प लिया था, मुझे जाना है, ये माननीय लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय माननीय लाल बहादुर शास्त्री का जन्म स्थान है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें उनके नाम से उनके करने की योजना थी और वो योजना को आज उन्होंने स्वयं आकर के साकार किया है। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। अभी नैनो यूरिया की बात आए, सबसे पहले उन्होंने नैनो यूरिया तरह की बात क्यों उठाया, आपने सोचा होगा उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। उनके दिमाग में चलता रहता है कि किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों का उत्पादन बढ़े। और उन्होंने 94 फसलों के ऊपर देश भर में कम से कम 20-25 हजार में लाखों प्रदर्शन करवाए। पहले 5,85,000 किसानों को हमने पहले बाटल दिए, बिक्री नहीं होने दी गई, ये पहले तय हुआ किसान इसका प्रयोग करके देख लें। जब किसानों ने प्रयोग करके पाया कि इसके प्रयोग से 7 से 8% उत्पादन बढ़ता है। दूसरी ये जो खास बात है, इसमें उत्पादन की ही बात नहीं है मित्रों, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो अपने गाँव में जाके बताना कि जो उपज होती है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है, यानी जो उसमें पोषक तत्व होने चाहिए उन पोषक तत्वों की प्रचुरता बहुत होती है और अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं जो मनुष्य को भी स्वस्थ रख सके। यानी मनुष्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से, उसके पोषण की दृष्टि से जो पोषक तत्वों का उसमें उपलब्धता है वो नैनो यूरिया तरल के प्रयोग से बढ़ती। तीसरा जो उनके दिमाग में चलता था और कैसे वो साकार करते हैं, ये मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। वीकली मीटिंग छुट्टी के दिन अपने घर पे लेते थे और कहते थे कितने किसानों तक गए हो तुम लोग पहले मुझे ये बताओ। मैंने भी 42 साल की सेवा काल में कोई ऐसा जन नेता नहीं देखा जिसकी केवल एक ही पीड़ा हो, अपने किसान, अपना देश, अपने देश की जनता, उनका स्वास्थ्य। दूसरा क्या था, ये जो उत्पाद आया माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आया। और वो प्रेरणा कहाँ से मिली कि 2015 से ही उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि धरती माता को बचाना है तो यूरिया के प्रयोग को कम करना पड़ेगा। अगर आप 6 बोरी इस्तेमाल करते हो तो 4 बोरी इस्तेमाल करो, और अगर 5 बोरी इस्तेमाल करते हो तो 3 बोरी इस्तेमाल करो, हो सकता है तो इसका मुक्तिकारक अभियान चलाओ, इसके प्रयोग को समाप्त करो। और ये उसी दिशा का एक सबसे सार्थक कदम है, धरती माता को तबाह करने से बचाना आपको नहीं करना।